हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। इस वीडियो में देखते हैं पद्म पुरस्कार 2020। तो पद्म पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, तो इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं तो सारे देखेंगे, और आने वाले एग्जाम जो भी है 2020 का, तो उनमें से पद्म पुरस्कार 2020 से पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि पिछले साल भी पद्म पुरस्कार 2019 जब घोषणा हुए थे उसके बाद के एग्जाम में पूछे गए थे, तो इस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। तो पद्म पुरस्कार 2020, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो पद्म पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ पद्म पुरस्कार एक टर्म है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि पद्म पुरस्कार है क्या। तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार है। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को दिया जाता है। और पद्म पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, और पद्म सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार की प्रदान करने की घोषणा किया गया थे। तो पद्म पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? 1954 में। तो 1954 में पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। तो पद्म पुरस्कार तीन प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, और प्रदान किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। तो तीन तरह के कौन कौन है? तो पहला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे नंबर पर कौन है? पद्म विभूषण। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? पद्म भूषण। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो भारत का चार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण और चौथा पद्मश्री। तो अभी फिलहाल 2020 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो आगे आप देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2020, तो 2020 में 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 2020 में टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? 141 ये माइंड में रखिए। तो 2020 में टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 141 है। तो इसके अंतर्गत पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं 7, और पद्म भूषण से 16, और पद्मश्री से 118। तो पद्म विभूषण से 7, पद्म भूषण से 16, और पद्मश्री से 118। तो टोटल 141 सवाल। तो इस पेज से चार सवाल बन रहे हैं, कौन कौन? तो 2020 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 141। तो उसके अंतर्गत पद्म भूषण से कितने? पद्म भूषण से 7 है, पद्म भूषण से 16 है, और पद्म विभूषण से बोला जाए 7 है, और पद्मश्री से बोला जाए कितना है? तो 18। और 2020 में किसी भी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा। तो भारत रत्न 2020 की घोषणा नहीं की गई है। तो टोटल पद्म पुरस्कार 2020 में 141 लोगों को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 लोगों को, और पद्मश्री 118 लोगों को। टोटल 141 है। तो देखते हैं अब किसको क्या मिलेगा। तो ये पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके अंतर्गत 7 लोगों को दिया जाएगा। तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनमें कौन कौन है? इनमें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिसका 2019 में निधन हो चुका है, तो अरुण जेटली। दूसरा है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जिसका भी 2019 में निधन हो चुका है। इसके अलावा मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कौन है? भारत के प्रसिद्ध बॉक्सर MC मेरिकॉम, इसको भी 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कौन है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा को 2020 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी, तो पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश
तीर्थस्वामी को भी 2020 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पेजावट मठ के प्रमुख जो थे विश्वेश तीर्थ स्वामी, जिसका दिसंबर 2019 में निधन हो चुका है, और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। तो पद्म विभूषण से देख लिए, तो पद्म विभूषण जो है टोटल 7 लोगों को मिलेगा, और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके अंतर्गत किस किस को मिल रहा है? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। इसके अलावा प्रसिद्ध बॉक्सर MC मेरी कॉम, और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा, और पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी। अब अगला पे पॉइंट देख लेते। और पद्म भूषण जो है के अंतर ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 2020 में टोटल कितने व्यक्ति को पद्म भूषण मिलेगा? 16 लोगों को। कौन कौन है? तो मुमताज अली, सैयद मुआजैन अली, मुजफ्फर हुसैन बेग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, कृष्णामल जगन्नाथ, MC जमीर, अनिल प्रसाद दोषी, शेरिंग नडेल, आनंद महिद्रा, नीलकंठ रामकृष्ण, माधवन मेनन, मनोहर पारिकर, प्रोफेसर जगदीश सेठ, PV सिंधुर, वेणु श्रीनिवासन। तो टोटल 16 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 4 महत्वपूर्ण है। कौन कौन? आनंद महिद्रा, जो महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं। तो आनंद महिंद्रा को माइंड में लोड कर लीजिए कि 2020 में आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण मिलेगा। इसके अलावा कौन है? भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, मरणोपरांत, इसको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। इसके अलावा वेणु श्रीनिवासन कौन है? TVS मोटर के चेयरमैन। अगला पॉइंट आप देख लेते हैं, पद्मश्री। तो पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और पद्म पुरस्कार श्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये केवल आमतौर पर सिर्फ भारतीयों को दिया जाने वाला सम्मान है। तो 2020 में 118 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री मिलेगा? 118 लोगों को। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है महत्वपूर्ण? तो इसके अंतर्गत है जहीर खान, भारत के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान। इसके अलावा अब्दुल जज्बार, सामाजिक कार्यकर्ता। तो मरणोपरांत दिया गया अब्दुल जज्बार ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और उनके प्रभावित लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। अब्दुल जज्बार सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा करण जौहर जो है फिल्म निर्देशक है। इसके अलावा एकता कपूर निर्देशक है। इसके अलावा कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री। इसके अलावा कौन है? रानी रामपाल हॉकी। तो भारत की एक हॉकी खिलाड़ी है, उन्हें हॉकी की रानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। तो उसको भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जीतू रॉय। तो जीतू रॉय कौन है? निशानेबाज, एक नेपाली मूल के शूटर है जो भारत के लिए खेलते हैं। एक ही विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले वो प्रथम भारतीय और नेपाली हैं। इसके अलावा तरुणदीप रॉय तीरंदाज हैं। तो अदनान सामी भारत गायक, संगीतकार और अभिनेता। तो टोटल इस पद्मश्री पुरस्कारों के अंतर्गत 8 लोगों को जो खेल से जुड़े हैं इसको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगर आप पद्मश्री टोटल 118 लोगों को मिल रहा है तो इससे संबंधित आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो उसमें टोटल दिया हुआ है। तो पद्मश्री से कुछ महत्वपूर्ण थे उसके बारे में। तो अब देख लेते हैं पद्मश्री से टोटल कितने हैं, कौन कौन है उसके बारे में भी। आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पद्मश्री से तो इसको PDF आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसमें जितने भी थे सारे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आने वाले सवाल एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी अवार्ड की घोषणा होती है तो उसके बाद के एग्जाम में इसे पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।